ये तो पब्लिक क्यों डर रही प्रोटेस्ट लाठीचार्ज
क्या क्या देखा आपने, क्या हो रहा था? मैंने देखा जी उधर वो बहुत सारे लोग हंगामा कर रहे थे पीबीआर के सामने, तो पुलिस वालों ने जैसे लाठी चार्ज करा तो वो लोग इधर भागे, वो इधर भागे, कुछ लोगों ने गाड़ी तोड़ी, कुछ ने कुछ तोड़ा, वो ऐसे ही भाग के चले गए। कितने लोग थे और क्या पहचान थी उनकी? कम से कम 150 लोग थे। और मुंह पे किसी ने वो लाल कलर का, किसी ने व्हाइट कलर का वो बांधा हुआ था, किसी ने रुमाल, किसी ने कुछ कपड़ा वगैरह। तो कोई नारेबाजी भी कर रहे थे, कौन ले थे क्या पता लगा? नारे भी कर रहे थे, ये पद्मावती फिल्म के ऊपर था सारा कुछ। क्या नारेबाजी लगा रहे थे? कोई डर का माहौल, जिस तरह से वो क्या हाथ में डंडे थे, क्या था उनके? हाँ, सबके हाथ में डंडे भी थे, तलवार भी। तो कोई डंडे थे जहाँ तक सबके हाथ में। कोई डर लगा किसी आसपास के लोगों को जिस तरह से उत्पात मचाते हुए आ रहे थे? हाँ बिल्कुल, सबको लग रहा था कि ये उत्पात वगैरह कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है मतलब यहाँ पे। क्या नाम है आपका? चंद्रपाल शर्मा। आप नाम बताइए अपना। मेरा नाम दानिश है। दानिश, क्या हुआ था, कहाँ से आ रहे थे आप? क्या हम लोग बस बैंक के बाहर जस्ट खड़े हुए थे, देखा कि बाहर से भीड़ आई ये पद्मावत मूवी रिलीज होने के लिए, सारे लोग आए हुए थे, सर पे पीले कलर की पट्टी बांधी हुई थी, आकर के गाड़ी तोड़ी हो निकल गए। कितने लोग थे वो? थे वो तो सैकड़ों की तादाद में थे। अच्छा, कितनी गाड़ियां तोड़ी हैं आपके हिसाब से? ऑलमोस्ट यहाँ पे थी 20-25 गाड़ी अभी लाइन से सारी तोड़ी है, स्टाफ की हमारे 3-4 गाड़ी टूट चुकी है अभी तक, जिसका पुलिस को भी इन्फॉर्म किया है, लेकिन अब कुछ कोई दिक्कत वो नहीं है। यहाँ पर आए सारे लोग देख करके चले गए। मेन तो वही है कि ना, पब्लिक को, आम आदमी को भुगतना पड़ता है। गलत है ये इस तरह से? बिल्कुल गलत है, गवर्नमेंट को करना चाहिए इस पे, पूरा फ्रीज करना चाहिए सारा लोग जितने भी हैं इस तरीके से लोग छुटे हुए हैं। नाम बताइए अपना। दानिश। नोटिस रखा है ये किस लिए रखा है? कीमत पर रिलीज नहीं होनी चाहिए, राजपूत समाज की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है, तो सरकार से हमने बार बार निवेदन किया है कि इस फिल्म को बिल्कुल बैन करो, ये किसी भी हालत में रिलीज नहीं होने देंगे हम लोग। यहाँ पर गवर्नमेंट खुद ही अशांति करवाना चाहती है। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आदर करते हैं, इन सबके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिलीज करने का ऑर्डर दिया, बड़ी दुखदायी बात है। हमारे समाज की भावना को उन्होंने कोई कदर नहीं की, इस करके हम इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। नारी जाति का अपमान नहीं सहेगा। कहां से करेंगे आप, कहां से कहां तक विरोध करेंगे? पूरी दिल्ली में कर रहे हैं या कुछ क्षेत्र के हिसाब से है? और हम हॉल के ऊपर जाएंगे, उन मालिकों को चेतावनी देंगे, भाई ये आप दिखाएंगे तो आप जिम्मेदार होंगे।